wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. तो भैया जी, लास्ट एपिसोड में हम आपको ताजमहल में नो एंट्री का किस्सा सुनाते हुए छोड़ गए थे और उसके बाद धीरे धीरे मुगलों की बेगमों से मिलने के लिए आगरे के लाल किले की ओर बढ़ चले। टिकट ले रहे हैं, ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का अभी 2021 में जो किराया है वो 35 रुपये है, तो हम दोनों मिलकर के 70 रुपये किराया देंगे। ऑनलाइन पे होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, इसे स्कैन करना होता है। जैसे पहले के समय में नहीं, राजा महाराजा जो होते थे, उनके जो सिपाही वगैरह होते थे, वो ना यहाँ किनारे किनारे दीवार पर रहते थे, तो आज के समय इंडियन आर्मी है। ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। ये सब लोग विजिटर्स हैं जो ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं। ओए, ये देख किले के गेट कितने भयंकर होते हैं यार। पहले जब युद्ध वगैरह होते थे ना, इन्हीं को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। ये हमारा गाइड है प्रद्युम्न, तू हमारा गाइड है, ठीक है? नहीं तो मुझे घुमाएगा। और यार पक्षी देखो क्या मस्त, कबूतर, ये देखो। अभी हमारी चेकिंग हो गई है और हम लोग अंदर आ गए हैं। मेरा बैग जमा कर लिया क्योंकि उसमें बड़ा वाला ट्राइपॉड था, इसका जमा नहीं किया। तो बेटा तू गधे जैसे लाद बैग को, ठीक है? बाकी यार एक चीज़ समझ में नहीं आई, अभी हम लोग किले के अंदर एंटर कर गए हैं। ये मेन गेट है, ऊपर देखो ये सीढ़ियाँ लग रही हैं दोनों तरफ को। एक समझ में नहीं आई यार, सीढ़ियों से उतर के सीधे नीचे आते थे क्या? मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ सामने। और ये अब जा रहे हैं अंदर। भाई लाइट वाइट तो अभी लगी होंगी। सामान पुराना, नहीं सामान पुराना है मतलब 50-60 साल पुराना होगा, तब तक तो लाइट आ गई थी ना। किला तो 200-300 साल पहले बना था भाई। यहाँ पेंट नहीं हुआ काफी दिन से यार, एशियन पेंट करवाना चाहिए। एसी लगी है, कूलर लगा है। कैमरा मैन का देखो डबल काम होता है, तो फ्रंट शूट करना और एक सिनेमेटिक शूट करना, यहाँ दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। दीवारें हैं, ऐसा लग रहा है इनमें पुट्टी नहीं हुई है। दीवारें बोल उठेंगी, आवाज गूंज रही है। हाँ लिखा भी देख, कब्जा कर लिया था मुगलों ने, लोदी शासकों को पराजित कर किले पर अधिकार कर लिया 1526 पानीपत के युद्ध में। यार ये तो रटे हैं यार क्वेश्चन। चलो और क्या, सच में अब जिनको नहीं रटे वो ध्यानपूर्वक पढ़ें यार, हमें क्या करना है। ये एंट्री करते ही ये शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष, वही जोधाबाई वाला जो था वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, मतलब यहाँ बच्चों की देखभाल होती थी। और ये है कार्यालय वगैरह विभागीय, जो कार्यालय सामान वगैरह रखा रहता था। यार एक गेट तो वहाँ था इतना बड़ा सा, उसके बाद दूसरा गेट ये है इतना बड़ा सा, यार ने गेट ही गेट लगा रखे हैं, इतनी सिक्योरिटी किस बात की? वहाँ से एंट्री करने के बाद ऐसे घूमते हुए आराम से मस्त यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अंदर को जाने को हैं, वहाँ पर हमको सबसे पहले आर्मी के भाई वो देखो ऊपर, वहाँ पर मिलते हैं, दिखते हैं। और फिर ये हमारे भाई प्रद्युम्न, ये क्या है? ये है जहांगीर का स्नान कुंड। अबे इतने बड़े में नहाता था क्या? आदमी था घनचक्कर, इतने बड़े में नहाता था। भाई कुछ दिख रहा है क्या स्नान कुंड के अंदर? हाँ भैया साबुन आबुन जाग वाग पड़े होंगे। आप कहाँ से है भैया? इटावा उत्तर प्रदेश। हाँ भैया जी जानते हैं, बहुत फेमस है। क्या है? मुलायम सिंह यादव का गाँव, बस वहीं से है। पर वोट आपको देते हैं क्या करें? भाई वो तो हम नहीं कह सकते, पॉलिटिकल में नहीं आना चाहिए, लेकिन भाई अपनी सबकी चॉइस होती है। ये था जहांगीर का स्नान कुंड, इसमें नहाता था आगता था जो करता था पता नहीं। वहाँ से फिर ऐसे चलते हुए मस्त। ये है क्या है भाई? ये है क्या, कितना किसका महल है ये? भाई साहब अभी आए हैं जहांगीर के महल में। ये है जहांगीर का महल, अभी पीछे भाई साहब गए हैं, एक उन्होंने बताया है, हमको पता नहीं था। तो बाकी इसमें जो नक्काशी काफ़ी अच्छी है वो हमारे भारतीय लोगों ने की है। पर
चारों तरफ जागीर के महल के अंदर। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना। जहांगीर की जो घरवाली होती थी वहां से देखती थी जहांगीर जब आता था, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा। और क्या कमरे हैं क्या ये अलमारी? ओ भाई इसे कहते हैं ये हैं कमरे, तो यार इसमें रखते था, क्या रखता था, कुछ रखता है कमरे थे? भाई सोने चांदी के टुकड़े मिल जाए यार मजा आ जाए। ये है भाई जहांगीर का, मतलब किसी का तो होगा ही कमरा है जहांगीर महल में। भाई ये पीछे एक कमरा था, काफी मस्त है, सोने चांदी के टुकड़े ढूंढ रहा था मैं, तो मिल जाए दो चार। सालों ने बहुत लूटा था हमारे देश को। असली रिसर्च तो प्रद्युमन कर रहा है, देख लो घुस घुस के कुन्ना कुन्ना में जा रहा है, देख रहा है मस्त। कुछ समझ में आया? ये पीछे दूसरी पार्टी आई है, इनके गार्ड साहब है ना कुछ बता रहे हैं। हमारे प्रद्युमन भाई पहुंच गए फ्री में गार्ड की ड्यूटी लेने। वाओ वाओ क्या मस्त है, सुभान अल्लाह। ये के कांच लगा है, कांच ही है यार। इनकी हालत क्या होगी भाई? ये देखो जो कला एवं संस्कृति का टॉपिक पढ़ते हैं ना उनको पता होगा भाई, इसके अंदर सीढ़ी है, तो अभी लाइट जला के देख रहे हैं, ठीक है, देखना। ऐसी कुछ सीढ़ी है ये समय की। प्रियंका जी सुन लो, आपका नाम लिखा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ की नक्काशी है ये इतनी बची हुई है, बाकी तो ऊपर आते निकल आई हैं, मतलब कि क्या है आते ही समझ लो, और क्या दीवारें दिख रही हैं। इधर पलस्टर वलस्टर सब टूट चुका है भाई, जिसको भी कब्जा करना जल्दी कब्जा करो, फिर केवल कुछ नहीं बचेगा, ईंटें ईंटें दिखेंगी। ऐसा ही कुछ यहाँ भी सीन है, यहाँ तो फफूंदी लगी है भाई। मुझे लगा बोल रहा था वाओ इट्स ऑसम, बोल रहा छत टूट गई। यहाँ पर ज्यामितीय चित्रकारी दिख रही है, ऊपर देखो, ये देखो चौकोर चौकोर से षटकोण से भाई, इधर पूरा संगमरमर का काम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो अपने पुराने घरों में नहीं होते थे लकड़ी के तख्ते लगा करके उनके ऊपर पटिया रख दी जाती थी, हमारे घर में भी है, हमारे गुरुकुल में, तो वैसा कुछ सीन है यार। तो भाई अब जय श्री राम बोलने का समय आ गया है। यहाँ पर ये जगह है, ये समझा करो क्या है, रोशन आ रहा है यहाँ से। नीचे देखते थे, यहाँ क्यों देखते थे भाई नीचे? वो ताजमहल है, आगरा के किले से डायरेक्ट ताजमहल को भी देख सकते हैं। और ये पूरा जो है ये सब खेती वेती होती है, ठीक है, युद्ध का मैदान है या कुछ भी जो समझ लो। ये है किले की दीवार, बाकी ये है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इसे कहते हैं रोशन आ रहा है। यहाँ से ना दूर दूर तक देखा जाता था कौन से मोहल्ले में कौन बैठा है। भाई ये जाली है, और ये देखो कितनी महीन इसमें नक्काशी की गई है, और बिल्कुल संगमरमर की बनी हुई है। वो रहा ताजमहल, इसको देखो अंदर झांकरा कोई मिल जाए ऐसे देखने को। अभी जहाँ पर हमें ये मुमताज और शाहजहां भाई था ना, हाँ उनका प्राइवेट बेडरूम है, प्राइवेट समझते हो ना भाई वाला, ये देख लो। और सुना है इसमें सोने की नक्काशी की गई थी, मतलब सोने के पानी को, ये देखो ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर है, केवल इतना ही ओरिजिनल बचा है, बाकी जो था वो अंग्रेजों ने क्या किया कि खुदवा करके सोना निकलवा लिया, मतलब सोचो कितना भयंकर यहाँ लुटाई की गई है। अभी फोटो सेशन चल रहा है, तो जरा भी यहाँ देखना है मैं कहाँ कहाँ घूमता हूँ, कैसे क्या घूमता हूँ, आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पर लिंक आ रहा है। बाकी ऐसा कुछ सीन है, ये फोटो वगैरह चल रहा है, प्रतिमन की फोटो कैसी है? अरे यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छी कला बनी है, मुझे लगा सोना वोना निकालने का प्लान कर रहा है। ये प्राइवेट एरिया है पूरा, ठीक है गार्ड साहब और आगे बताइए थोड़ा बहुत। सोच रहे हैं एक फ्लैट हम भी यहीं ले लेते हैं। पहले के समय में जो शाहजहां के लक्षण थे ना, आजकल वो हमारे इन शाहजहां के पास में है, मुमताज का वेट कर रहे हैं। बाकी इधर फुब्बारों का सिस्टम है पूरा, ये यहाँ कितने फुब्बारे हैं, 1 2 3 4 5 फुब्बारे लगे हैं। ये हैं भाई प्रद्युम्न महाराज, आजकल के शाहजहां, जो कि मुमताज के लिए फ़ोटो खींच रहे हैं और मुमताज को भेज देंगे, तो उनका फ़ोटो सेशन चल रहा है। वो 56 प्रकार के मुँह बना के सेल्फी ले रहे हैं। ओहो ये भाई प्राइवेट रूम है, मतलब प्राइवेट नहीं है, उनकी जो तो दास दासी होते थे उनके रूम बने हैं, ठीक है, दास दासी नज़र रखते थे सामने ही यहाँ पे प्राइवेट रूम में ऐसे।
झांक झांक के और चेक करते थे क्या हो रहा है। यहाँ भी शायद झांका झूकी वाला ही सिस्टम है और कुछ नहीं है। हाँ ये अच्छा, उधर रोश नारा बनाता है, यहाँ जहाँ नारा बना है। ये शायद उनकी बेटियों के नाम थे। यहाँ ऊपर भी सोने की जो परत होती है वो लगी हुई थी, वो भी साले अंग्रेज निकाल के ले गए। मुसप्पन भुज क्या है सूर्य उपासना भाई, ये लिखा है ठीक है, जब आओ पढ़ लेना। बाकी ये झरोखा है, यहाँ से हवा खाते थे ऐसे, जैसे वहाँ फतेहपुर सीकरी में हवा खाने के लिए पंचमहल बनाया गया था ना, वैसे ये यहाँ पे हवा खाने के लिए बनाया गया है। भाई ये पीछे का सीन है, यहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था और यहाँ पर कुछ नहाने धोने का सिस्टम था, ये इसको कहते हैं मुजम्मन बुर्ज। दिखाओ तो। भाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ फुब्बारे टाइप का लगा हुआ है, शायद यहाँ नहाते धोते थे। शाहजहाँ को यहीं पर, ये जो पीछे है ना, इसमें ही औरंगजेब ने नज़रबंद कर दिया था। इसकी जो पेंटिंग है वो मस्त लग रही है, बाकी तो कुछ मस्त नहीं है, पेंटिंग मस्त लग रही है। तो ये भाई है, आपका नाम क्या है? मैं गुप्ता। हाँ तो ये गुप्ता जी हैं बिहार से, ये हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये भैया भी हैं, इन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। आप क्या नाम क्या है? दीपक। तो ये भी हमारी वीडियो जब देखेंगे ठीक है। दीपक जी जो ब्लॉग है हम यूट्यूब पर डालेंगे, आप देखिएगा ठीक है। ये जो रूम है इसमें शाहजहाँ को कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, आपने बहुत प्रसिद्ध स्टोरी सुनी होगी। तो भाई अभी ऊपर जाने का रास्ता मिला है, जिस कमरे में ये नीचे तहखाना है गुफा टाइप की, जो कि शायद ताजमहल तक जाती है, पता नहीं भाई लिखा हुआ है किसी ने भूला भी है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं। गाइज ये है दीवाने खास, जैसा फतेहपुर सीकरी में था ना दीवाने खास, वहाँ छोटा सा था, यहाँ पर ऐसा कुछ है ये। वो जगह जो दिख रही है वहाँ से अंग्रेजों ने तोप का गोला चलाया था और वो ये जहांगीर का सिंहासन है इस पर लगा था करके, ये देखो, और यहाँ से टकरा करके दीवाने खास की दीवार में जाके घुस गया था। ये देखो जो छेद बन गया है, बहादुर शाह जफर के ज़माने की बात है जब अंग्रेज आ गए थे। लव, यहाँ राजा बैठता था, जहाँ हम खड़े हैं रानियाँ दिख ही रही हैं, उस जगह पर रानी बैठती थी, बीच में पार्क होता था, यहाँ से आदान प्रदान चलता रहता था बातों का। भाई लोग बहुत छोटे थे यार, गेट बहुत छोटे हैं यहाँ के। काफी मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है घूमने में। कहते हैं ना यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो यूपी में बहुत सारी चीजें घूमने के लिए हैं, आप आ सकते हैं घूमने के लिए। तो गाइज ये एक मस्जिद है, नगीना मस्जिद, जिसको किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने महिलाओं के लिए बनवाया था, ऐसा कुछ सीन है अंदर का। अच्छा ये कुछ खुला हुआ है यहाँ पे। ओ भाई ये क्या है, ये है। यार कैसी कैसी पतली पतली गलियों से निकल के एकदम लगता है बहुत विशाल जगह पर आ गए। ये है दीवाने खास, यहाँ राजा बैठता था, राजा मतलब वही दो गधे राजा वगैरह, और ये उसका महल था ऐसा ही समझ लो। ऊपर बैठ बैठ के यहाँ सामने आने वाली लड़कियों को ताड़ता रहता था। दीवाने खास से निकल आए हैं अभी, हमारी जमानत अर्जी पर सुनवाई हो चुकी है। ये देखो कुआं बना है, या तो पानी वानी खींचने के लिए कोई सिस्टम यहाँ लगा होगा, क्योंकि नीचे ये भी कुछ सिस्टम लगा है, नाली वाली बनी है क्या? दीवाने खास ऊपर है, दीवाने आम भी है। हाँ दीवाने खास सुनवाई होती थी, हाँ खास लोगों की सुनवाई होती थी, मतलब यहाँ जंत्रणा होती थी, यहाँ पर ऑर्डर दिए जाते थे। नहीं ये शायद जनता दरबार था। इनके गोले कहाँ गायब हो गए?
गोले वोले भी रख देते हैं, एक आध छोड़ के ट्राई करते हैं। ये तोप है तो इसके अंदर मोबाइल डाल देते हैं। यहाँ पर दो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति के साथ में कोने में बैठ कर के आराम से, ये आपसी सामंजस्य के ऊपर होता है। हाँ, और यहाँ पर आके अपने प्रेम को अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है? बंद है। मीना बाजार लगता था ना, वहाँ पर तो कार्य प्रगति पर लिखा हुआ है, यानी कि टूट फूट रहा होगा कुछ, तो सरकार उसका नवीनीकरण करा रही है। ये हमारे कुत्ते महाराज हैं, इनको भी हम साथ में घुमा रहे हैं, इनका भी टिकट लगा 50 रुपए का। प्रद्युम्न, सामने जो परिदृश्य चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। खास महल, वो सामने प्राइवेट रूम है शाहजहां वाला, वो तो घूम चुके हैं ना। हाँ, बाकी ये बीच का पार्क रह गया था। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना, बिस्तर धोरे तो कैसे सो जाना। प्रद्युम्न वो जाऊं बोल, तो जितना भी मतलब घूमने फिरने को है यहाँ पर वो सब हम घूम चुके हैं लगभग। वो एरिया उतरा है, ये एरिया, वो एरिया, वो सब बंद है। बाकी जो किले का बचा हुआ पोर्शन है ना वो बंद है, इसीलिए हम नहीं घूम पा रहे हैं। 18वीं सदी की लाइट लगा रखी है। सुबह जिस गेट से हम लोग किले के अंदर घुसे थे ना, जो ये बिना पुट्टी वाला गेट था वही वाला, तो अब उससे बाहर जा रहे हैं वापस। तो अब उसी मेन गेट पर आ गए हैं जहाँ पर हमारी चेकिंग वैकिंग हुई थी पूरी, और अब किले से बाहर निकल रहे हैं। अभी जो मैंने बैग जमा किया था वो लेने को आए हैं, बाकी बैग वैग ले लेते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना, बिस्तर धोरे तो कैसे सो जाना, बिस्तर धोरे।